मैं ये कहूँगी मुकेश जी, मंजू जी, बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये हमारे पड़ोसी हैं और मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है कि हमारे पड़ोसी बहुत कमाल कर रहे हैं। 2 साल कोरोना में हमारी बिल्डिंग में मुकेश जी को हम देखते थे इधर से उधर कसरत करते हुए, ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस करते थे, ऐसा लगता था कि शायद यही कोरोना से फाइट कर लेंगे। पूरी बिल्डिंग खाली, पूरा जिम खाली, लेकिन इधर से उधर, उधर से इधर सिर्फ मुकेश जी दिखा करते थे हमको। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी आपने ये फिल्म बनाई, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री काफ़ी सफ़र किया, हमारी इंडस्ट्री ने, तो इस सब चीज़ों को पीछे रखकर आपने कंप्लीट की फिल्म। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस पार्थो सर, ऑनर टू स्टैंड नेक्स्ट टू यू। थैंक यू सिमरन एंड बहुत सारे हमारे खूबसूरत प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं जिनसे कितने सालों से मुलाकात ऐसे नहीं होती और अचानक से हो गई, तो उन सब से मिलाने के लिए भी थैंक यू। और मुझे यकीन है कि ऑडियंस वापस थिएटर्स में जाएगी। थैंक यू सौम्या मैम, मैं जरूर कहना चाहूँगी वो बाबी जी घर पर है कि यही घूम रहे थे यहाँ से वहाँ बिल्डिंग में भी, वो इसलिए घूमते हैं सिर्फ देखने के लिए कि आप घर पर हैं या नहीं। मंजू जी, मैं चाहूँगी आप 2 शब्द कहें, उसके बाद हम फेलिसिटेशंस करना चाहेंगे इनका। प्लीज़ आप बताइए, वैसे कैप्टन ऑफ द शिप तो है ही, लेकिन ये भाई हमारी कमांडर है। जोरदार तालियां हमें दी वन एंड ओनली मंजू भारती जी। थैंक यू सो मच सिमरन, और मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स बोलती हूँ कि आप सब ने इतना प्रीशियस मोमेंट, हमारा जो इतना प्रीशियस मोमेंट है उसके लिए इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। और स्पेशल थैंक्स बोलूँगी राजू भैया को कि हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं और आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट करते हैं। सो मैं हमेशा अगर किसी भी प्रॉब्लम में आती हूँ और मुकेश को कहती हूँ कि भैया को फ़ोन करो, ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सो थैंक यू सो मच भैया आप यहाँ आए, और मेरी एंटायर टीम कैप्टन ऑफ द शिप पार्थोदा जो कि मेरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, उनको मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगी। एंड माय ब्यूटीफुल नेबर जिनको सब घर में देखने आते हैं वो हमें खुद ही दिखती है। सो सौम्या जी को बहुत थैंक्स कहूँगी, एंड बहुत ही सीनियर और बहुत ही रिस्पेक्टेड महेश ठाकुर सर, उनको मैं थैंक्स कहूँगी। और मेरी पिछली फिल्म में मेरे प्रोजेक्ट की पार्ट थी नीलू कोहली जी, जिनके साथ बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है मेरा, उनके साथ मैंने काम किया, बहुत ही सीनियर, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, और सबने बहुत सपोर्ट की उस फिल्म में भी और ये फिल्म में भी। बहुत ही मंजे हुए कैरेक्टर, बहुत ही मंजे हुए आर्टिस्ट, राजेश शर्मा जी, अतुल श्रीवास्तव जी, गोविंद नामदेव जी। तो गोविंद नामदेव जी इस क्लिप को ज़रूर देखेंगे, तो मैं उनको बहुत थैंक्स बोलूँगी क्योंकि गोविंद सर ने बहुत सपोर्ट की है, बहुत समझाया मुझे हर चीज़ के लिए। सो और यहाँ आए हैं मेरे मतलब मैं जिनके लिए जितना भी थैंक्स बोलूँ उतना कम है, शांतिलाल जैन सर का, जिन्होंने मुझे एक कोविड के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कब तक कोविड चलेगा, सो मेरे माइंड में एक ऐसे ही आइडिया आया कि मैं कुछ डिफरेंट भी ट्राई करूं। तो हमने बहुत ही जल्द एक स्टूडियो स्टार्ट किया है, शूटिंग स्टूडियो जिसका नाम है हैंगआउट स्टूडियो, जो मलाड में है। वहाँ पर ये 4-स्टोरी कंप्लीट बिल्डिंग है जहाँ पे हमने हर फ्लोर वाइज सेटअप रखे हैं। तो उसमें शांतिलाल सर ने मुझे बहुत सपोर्ट की और वो बिल्डिंग आज हैंगआउट स्टूडियो के नाम से हम चला रहे हैं। सो बस बहुत ही दिग्गज लोग हैं यहाँ पर, और मेरी सबसे ज़्यादा चहेती सोमा जी, प्लीज़ आप प्लीज़ उनके लिए ज़रूर तालियां बनाइए बजाइए, क्योंकि सोमा जी को मैं अम्मा जी सीरियल से पसंद करती थी और मुझे लगता था कि मैं इनको लूँगी अगली फिल्म में, इनको लूँगी। तो ऐसे ही फ़ोन किया और वो आई मिलने, और मिलकर फिर हमने स्टोरी डिस्कस की और फिर इतनी अच्छी बाउंडिंग हो गई कि वो मुकेश को राखी बांधती हैं, तो राखी सिस्टर बन गई हैं। सो डेफिनेटली आई एम सो थैंकफुल। और यहाँ जितने भी गेस्ट आए हैं, टिल्लू जी जिनको मैं ऐसे ही सडनली एयरपोर्ट पर मिली थी और दोस्ती हो गई, और बहुत हम लोगों की मतलब थॉट मिलते हैं, बहुत आइडियाज़ मिलते हैं, ही इज़ फ्रॉम बरेली ओनली, सो आज आई हैं, और मेरे नेबर हैं अद्विक महाजन जी, सबके लिए, और जिसका अगर मैं नाम भूल जाऊँ तो एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट होती है तो कहीं ना कहीं एक ना एक नाम रह जाता है। तो बाद में हाँ, एक नाम सबसे अच्छी शख्सियत हमारी कल्पना स्प्रिंग वाला मैडम, उनके हस्बैंड जोहेब स्प्रिंग वाला बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर हैं, पटियाला हाउस, ऑल बिग प्रोजेक्ट्स।
सो आंटी का मैं बहुत थैंक्स बोलूँगी कि स्पेशल टाइम निकाल कर आए हैं, और एंटायर टीम अर्पित सिंह इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन फिल्म, सो उनकी डेब्यू फिल्म है, देन ऑल एसोसिएट साहिब दास मणिपुरी एंड बिलाल जो जो मुझे दिख रहे हैं, माई कॉस्ट्यूम टीम इमी, सो सबका तहे दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबकी सपोर्ट चाहिए इस फिल्म के लिए, प्यार में थोड़ा ट्विस्ट के लिए, जिस तरीके से खुशी खुशी ये प्रोजेक्ट बना है, बस इसको सक्सेसफुली रिलीज हो और आप सबके साथ फिर से दोबारा हम मिलें और नेक्स्ट फिल्म के लिए मिलें, यही मैं विश करती हूँ। थैंक यू सो मच।